Assalamu alaikum students. Today we will critically analyze Bertrand Russell's essay Philosophy and Politics. We will know about his approach to philosophy and politics in this essay, in which he will describe the relationship between philosophy and politics with the help of historical truths. Philosophy and politics ke bare mein Russell's ka kya view hai? और इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, उसको डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है रसल इसमें हिस्टोरिकल ट्रूथ्स के रेफरेंस के साथ. तो इसमें हमें बड़ा क्लियरली पता चलेगा दैट रसल इज़ बिहेविंग लाइक अ साइंटिफिक मैन इन दिस एसे, जो कि हमने उसके स्टाइल में भी पढ़ा था. ही स्टार्ट्स दैट द ब्रिटिश हैव प्रोड्यूस्ड एक्सेलेंट फिलोसफर्स, के ब्रिटिश में ब्रिटेन में बहुत सारे फिलोसोफर्स आए. एंड देन ही कंपेयर्स द ब्रिटिश फिलोसफी दैट ऑफ अमेरिका विच इज़ ऑफ सिस्टमेटिक सॉर्ट. अब वो ब्रिटिश फिलोसफी को और अमेरिकन फिलोसफी को कंपेयर करता है और बताता है कि ब्रिटिश फिलोसफी जो है वो उतना सिस्टमेटिक नहीं है जितना कि अमेरिका की जो फिलोसफी है वो है. इट शोज़ के वो एक नॉलेज जो है उसके पास ऐसा है, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, जिसकी बेसिस पे वो चीज़ बता रहा है, हमें कंपेयर कर रहा है. नेक्स्ट ही सेज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिलॉसफीज, गुड एंड बैड, गुड फिलॉसफी एंड बैड फिलॉसफी. एंड ही सेज दैट बैड फिलॉसफी कैन बी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग्स व्हाइल गुड फिलॉसफी डिजर्व्स यूनिवर्सल रिस्पेक्ट. बहुत क्लियर कट उसने बात कर दी. And apparently philosophy being a pursuit of knowledge seems totally different from politics, but Russell proves that only those philosophical views and ideas were allowed in the past which suited to the political and religious order of the times. अब Russell हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर apparently देखा जाए तो philosophy जो है वो तो knowledge का एक store house है, एक नॉलेज का एक रिप्रेजेंटेटिव है. तो ये फिर कैसे लिंक्ड हो सकता है पॉलिटिक्स के साथ? तो अपेरेंटली तो इट्स सीम्स डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स, लेकिन बाद में वो प्रूव करता है कि दोनों इंटरलिंक्ड हैं. और वो कैसे इंटरलिंक्ड हैं? उसने कहा कि अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं, अगर अपने पास्ट में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ओनली दोज फिलोसॉफिकल व्यूज़ एंड आइडियाज़ वर फ्लरिश, वर अलाउड एंड वर परमिटेड इन द सोसाइटी, जिनको जो कि सूट कर रहे थे उस वक्त के ज़माने के जो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्डर था, जो उस वहाँ के लोग थे उनका बेंट ऑफ माइंड क्या था या उनका रिलीजियस आउटलुक क्या था, तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि उन दोनों चीज़ों को पॉलिटिकली और रिलीजियसली जिसको सेटिस्फाई कर रहा था फिलॉसफी, उसी फिलॉसफी को परमिशन दी गई, उसी फिलॉसफी को फ्लरिश किया गया, उसी फिलॉसफी को एक्सेप्ट किया गया. तो ये रसल का हमें बताना है फिलॉसफी इन पॉलिटिक्स के बारे में. अपेरेंटली हमें दोनों के बारे में ऐसे ही लगेगा कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन रसल ने इसमें प्रूव किया है कि बोथ आर इंटरलिंक्ड. और फिर वो हमें फिलॉसफी की टाइप्स बताने के बाद हमें इस चीज़ पर लेकर आता है कि जो फिलॉसफी है वो पास्ट में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ उसी फिलॉसफी को शाबाश मिली, सिर्फ उसी फिलॉसफी को परमिशन दी गई कि वो फ्लरिश करे, सिर्फ उसी फिलॉसफी को एक्नॉलेज किया गया, सिर्फ उसी फिलॉसफी को एक्सेप्ट किया गया जो उस ज़माने के जो स्ट्रॉन्ग लोग थे, जो पॉलिटिकली वहाँ पर रूल कर रहे थे या रिलीजियसली रूल कर रहे थे, तो उन लोगों को जो उस फिलॉसफी सूटेबल लगती थी वो सिर्फ उसी फिलॉसफी को अलाउ करते थे. तो इसमें हमें इसने ये बताया है. नेक्स्ट, द पॉलिटिकल क्लाइमेट डिटरमिन द पर्टिकुलर फिलोसॉफिकल बिलीव्स. अभी उसने उसको इन शॉर्ट ये चीज़ बताई है कि इनफैक्ट जो पॉलिटिकल क्लाइमेट होता था वो डिटरमिन करता था कि किस किस्म के फिलोसॉफिकल बिलीव्स जो हैं वो सोसाइटी में रिवाज पाएंगे, सोसाइटी में फ्लरिश करेंगे, प्रोपिगेट करेंगे. ये हमें रसल ने बताया है. उसकी एग्जांपल वो ये देता है कि फॉर एग्जांपल कैथोलिक्स प्रमोटेड द फिलॉसफी ऑफ सेंट एक्विनस व्हाइल कम्युनिस्ट प्रमोटेड मार्क्सिज्म. अब ये दो उसने हमें फिलॉसफीज बताई हैं
और उसने हमें ये बताया कि कैथोलिक्स यानी कि कैथोलिक्स और कम्युनिस्ट जो हैं ये उसने दो बताए सोच बताए हैं, दो हमें डिफरेंट कैटेगरीज बताई हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बताए हैं पीपल के जिनकी सोच फ़र्क है। तो उनकी सोच जो है उन उसके फ़र्क की वजह से उन्होंने फ़िलासफ़ी जो है वो डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ को एंटरटेन किया है। इसी तरह उसने कहा कि एम्पिरिसिज्म फ्लश इन लिबरल इन्वायरमेंट। अब उसने कहा कि एक और फ़िलासफ़ी है जो उनसे फ़र्क है और वो है एम्पिरिसिज्म, और वो उस जगह पर उस इन्वायरमेंट में वो फ्लरिश किया जो कि एक लिबरल इन्वायरमेंट था, जहाँ के रूलर्स या जहाँ पर रिलीजियस जो लोग थे उन वो लोग लिबरल होना चाहते थे या उनका बेंट ऑफ माइंड लिबरल था, तो वहाँ पर एम्पिरिसिज्म जो है वो फ्लरिश किया। तो ये उसने हमें एक बेसिक चीज़ बताई है अबाउट फिलोसफी। नेक्स्ट ही इंट्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ फिलोसफीज़। अब उसने हमें एग्जांपल देने के बाद टू काइंड्स ऑफ फिलोसफीज़ वो बताता है। वो कौन सी टू फिलोसफीज़ हैं काइंड्स? एक रिजिड है और एक फ्लेक्सिबल है। फिलोसफी जो है दैट कैन बी रिजिड, दैट कैन बी फ्लेक्सिबल। अब उसने हमें बताया कि ये टू टाइप्स हो सकती हैं। एंड दीज फिलोसॉफिकल सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स की बेसिस पर ही आपको ऐसा फिलोसॉफिकल सिस्टम मिलेगा जो रिजिड होगा, और पॉलिटिक्स की बेसिस पर ही आपको ऐसा फिलोसॉफिकल सिस्टम मिल सकता है जो कि फ्लेक्सिबल होगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये अब उसने हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो आप ये देख लीजिए, उसने अपना एक थ्योरी रखी, उसमें उसने बताया कि फिलोसफी इन पॉलिटिक्स आर इंटरलिंक, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ये उसने अपनी एक बात रखी, एक आर्ग्यूमेंट रखा, फिर उसने उसको जस्टिफाई करना है। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए आगे वो फर्दर ऐसे में लिखेगा। उसने कहा कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिलॉसफी आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड। इन अदर वर्ड्स, जो आपकी फ़िलासफ़ी है वो आपकी पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन कर रही है कि आपकी पॉलिटिक्स इस वक्त किस किस्म की चल रही है। और दूसरी तरह से अगर हम इसको देखें तो हमें पता चलता है कि जो आपकी पॉलिटिक्स है वो आपको बता रही है कि किस किस्म की फ़िलासफ़ी है वो प्रिवेल कर रही है इन द सोसाइटी। अब वो हमें लेकर आता है फ़िलासफ़ी की तरफ। अब ये सारी चीज़ें बताने के बाद अब जब बंदा परेशान हो जाता है कि अच्छा इसका मतलब है कि फ़िलासफ़ी इज़ समथिंग एल्स के जो हम जानते थे फ़िलासफ़ी के बारे में, शायद ये वो नहीं है। लेकिन उसने कहा कि फ़िलासफ़ी डज़ नॉट हैव अ फिक्स्ड मीनिंग, रादर इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स। ये कोई एक चीज़ नहीं हो सकती कि आप कहें कि फ़िलासफ़ी यही एक चीज़ हो सकती है। फ़िलासफ़ी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और उसमें उसने हमें दो मेनली चीज़ें बताई। उसने कहा नंबर वन, यूज़ टू डिस्क्राइब सर्टन फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल कल्चर्स, यानी फ़िलासफ़ी जो है दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टन फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल कल्चर्स, कि आपके पास्ट में आपकी हिस्ट्री में कौन कौन से कल्चर्स थे और उन कल्चर्स की क्या क्वालिटीज़ थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो हमें उस ज़माने की फ़िलासफ़ी से पता चलेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा था। नंबर टू, इट इज़ यूज टू शो अ स्टडी और एन एटीट्यूड ऑफ माइंड डिज़ायरेबल एट प्रेजेंट। तो उसी तरह से जो फ़िलासफ़ी है वो हमें ये बताएगी कि जो आज के दौर में एट प्रेजेंट जो है वो हमारा एटीट्यूड ऑफ माइंड क्या है जो कि होना चाहिए है, उसको हमें बताएगी फ़िलासफ़ी। सम फिलोसफर्स से दैट फिलोसफी इज़ एज ऑब्जेक्टिव एज साइंस and is not connected with politics or ethics. कुछ philosophers का ये ख्याल है कि philosophy बिल्कुल science की तरह objective होती है, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता politics के साथ या ethics के साथ। रसल जो है वो कहता है कि ये एक मॉडर्न एटीट्यूड है, ही कॉल्स इट अ मॉडर्न एटीट्यूड, कि अगर आप ये समझते हैं कि philosophy is objective as science। Next he says that philosophy originated, basically it was originated to synthesize science and religion or to combine the nature of the universe and of man's place in it in order to teach the best way to live। usne kaha philosophy
बनाई क्यों गई, ओरिजिनेट क्यों की गई, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट। तो उसने कहा कि ये इसकी वजह ये थी कि साइंस और रिलीजन को इकट्ठा करके एक नई चीज़ बनाई जा सके जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके, यानी कि एक जो वर्ल्डली मैन है उसको भी सेटिस्फाई कर सके, एक रिलीजियस पर्सन है उसको भी सेटिस्फाई कर सके, एक ऐसी चीज़ लेकर आई जाए, यानी वो एक ऐसी चीज़ हो कि जो जो यूनिवर्स की नेचर है और उसमें रहने के लिए आदमी की जो एक प्रॉपर प्लेस है उन दोनों को सिंथेसाइज कर सके, उन दोनों को कंबाइन कर सके, यानी कि हारमोनाइज कर सके इन तमाम डिफरेंट चीज़ों को, यानी कि वो ब्रिज कर सके, एक ब्रिज के तौर पर वो काम कर सके। और वो उसका मकसद क्या होगा, आउटकम क्या होगा, वो होगा टू टीच द बेस्ट वे टू लिव, के कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब उसने ये बता दिया कि ऑल दो फिलोसफी इज़ रिलेटेड टू साइंस एंड रिलीजन, लेकिन दोनों से फ़र्क भी है, यानी कि दोनों के करीब भी है, दोनों से फ़र्क भी है, बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे हमारे बॉडी में अल्लाह पाक ने खून से हमारे बोन्स को, हमारे जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है अंदर उसको पावरफुल करने के लिए एक सिस्टम बनाया है, यानी कि बोन्स को कैसे ताकत मिलेगी, आप कैल्शियम लेते हैं आपके डिसॉल्व होता है अंदर और आप के बोन्स तक कैसे पहुंचता है, तो उसके लिए अल्लाह पाक ने कार्टिलेज रखा। तो अब कार्टिलेज जो है वो दोनों को ब्रिज कर रहा है, आपके जो जो गोश्त है, जो आपका जो आपके मसल्स हैं और उनके साथ जिसके अंदर मौजूद हैं कैपिलरीज और वो कनेक्टेड हैं उसके साथ, और उनसे वो लेकर के कार्टिलेज में और कार्टिलेज से बोन में। अब कार्टिलेज दोनों में ब्रिज तो कर रही है, दोनों के करीब भी है, दोनों की क्वालिटीज़ उसमें, लेकिन दोनों से फ़र्क है। बिल्कुल उसी तरह से अनलाइक रिलीजन फिलोसफी डज नॉट कंटेन एनी अथॉरिटी और पर्टिकुलर ट्रेडिशन, कि इसमें कोई एक पर्टिकुलर अथॉरिटी नहीं होती, कोई एक ट्रेडिशन नहीं होता किसी को फॉलो करना है। और अनलाइक साइंस इट टेल्स मैन हाउ टू लिव, और साइंस जो है वो हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं बताती, लेकिन फिलोसफी जो है वो हमें बताती है। नेक्स्ट इज मैनी फिलोसफर्स रिलेटेड एथिक्स टू पॉलिटिक्स, बहुत सारे फिलोसफर्स जो थे उनका ये ख्याल था कि एथिक्स जो है वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, यानी उसका लिंक है उसके साथ। द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स इज द रिकनसाइलिंग द नीड्स ऑफ सोशल लाइफ विद इंडिविजुअल डिज़ायर्स। अब ये रसल हमें बता रहा है कि जो एथिक्स और पॉलिटिक्स का जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या था, वो ये था कि जो सोशल लाइफ की जो नीड्स हैं और इंडिविजुअल डिज़ायर्स हैं एक इंडिविजुअल पर्सन की, वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट की जाएं, किस तरह से उनको मिला दिया जाए कि उनके अंदर एक हारमोनियस टच आ जाए, तो उस रिकन्सिलिएशन के लिए जो था वो एक प्रॉब्लम था कि किस तरह से इनको आपस में इकट्ठा किया जाए, कि कैसे उस पार्ट को होल की सूरत में बनाया जाए। अब उसने कहा कि गवर्नमेंट मेक लॉज टू स्टॉप एंटी सोशल एक्टिविटीज़। अब उसने कहा कि पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो वो क्या होता है कि उसमें इस रिकन्सिलिएशन को करने के लिए गवर्नमेंट्स जो है वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को स्टॉप करती हैं, किस तरह से, लॉज के थ्रू। वेल रिलीजन आस्क्स टू ओबे द अथॉरिटी, जबकि रिलीजन जो है वो ये करता है कि एक अथॉरिटी बना दी जाती है और कहा जाता है कि इसको आपने ओबे करना है। तो इन दो तरीक़ों से रिलीजन जो है और गवर्नमेंट जो है वो, यानी कि पॉलिटिक्स और एथिक्स जो है वो रिकन्सिलिएशन करती है सोशल लाइफ की नीड्स को और इंडिविजुअल डिज़ायर्स को, कि किस तरह से उनको हारमोनाइज करना है कि वो दोनों अपने लिमिट्स क्रॉस ना कर लें। इवन अ स्ट्रॉन्ग प्रीस्टहुड कैन ब्रिंग द रूलर्स विद इन द बाउंड्री ऑफ लॉ। और जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि एथिक्स और पॉलिटिक्स जो हैं वो कनेक्टेड इस तरह से हैं कि एक जो स्ट्रॉन्ग प्रीस्टहुड है, यानी कि जो रिलीजियस अथॉरिटी है, वो रूलर्स को भी लॉ की बाउंड्रीज में लेकर आते हैं, यानी कि वो भी अबव रूल्स नहीं हैं। लेकिन रसल कहता है कि पॉलिटिक्स ने भी उसको सॉर्ट आउट कर लिया, एथिक्स ने भी उसको सॉर्ट आउट कर लिया, बट फिलोसफर्स टेक दिस प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट वे। फिलोसफर्स ने कहा कि नहीं, जो रिकन्सिलिएशन ऑफ नीड्स ऑफ सोशल लाइफ विद इंडिविजुअल डिज़ायर्स है उसके लिए कुछ और तरीका होना चाहिए। अब उसमें क्या हुआ कि मोस्टली फिलोसफी हैज़ अ रिएक्शन अगेंस्ट स्केप्टिसिज्म, कि जब आप किसी चीज़ के बारे में डाउटफुल होते हैं,
आप किसी भी ट्रूथ के बारे में कि अच्छा कि ये है कि नहीं है। आगे हम इसकी थोड़ी सी जाके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे कि स्केप्टिसिज्म में क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो फिलॉसफी जो है वो एक रिएक्शन था अगेंस्ट स्केप्टिसिज्म। When mere authority is not sufficient to induce beliefs and rational arguments are needed, और ये उस वक्त हुआ कि जिस वक्त जो सिर्फ अथॉरिटी थी उसको वो सफिशेंट नहीं रही थी कि लोग जो हैं वो अपने एक सर्टन पर्टिकुलर बिलीफ जो है उसको फॉलो कर सकें, या फिर ऐसी वक्त में कि जिस वक्त उनको वो बिलीव कराने के लिए, उनको बताने के लिए कि सूरज घूम रहा है तो उसके लिए रैशनल आर्ग्यूमेंट ज़रूरत पड़े। तो ये वो चीज़ें थी कि जिस वक्त फिलोसोफर्स को लगा कि इसको किसी और तरीके से करना चाहिए है। एंड दिस हैज़ डन इट टू मेक फिलोसफी इनसिंसियर। ये रसल ने कहा कि जब फिलोसोफर्स को ये चीज़ें नज़र आईं तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए उन्होंने फिलॉसफी को इनसिंसियर बना दिया। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि रसल जो है वो बड़ा सिस्टमेटिकली चलता है, वो हैपहैज़र्डली अपने आर्ग्यूमेंट्स को नहीं लेकर आता, वो एक तरतीब एक ऑर्डर में चलता है कि एक बात की फिर उसके बाद दूसरी उसी से रिलेटेड की, फिर उसको एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद उसको फर्दर एक्सप्लेन किया, फिर उसमें से जो बातें आईं उनको एक्सप्लेन किया। तो बिल्कुल उसी तरह से जब अब उसने इनसिंसैरिटी बता दी फ़िलोसफी की, तो अब उसने यहाँ पर बताया कि इनसिंसैरिटी हुई हिस्ट्री में, बट देर आर टू नोटेबल एक्सेप्शंस टू दिस इनसिंसैरिटी। लेकिन दो बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इनसिंसैरिटी नहीं हुई, दो बड़ी फिलॉसफीज ऐसी हैं जिसमें इनसिंसैरिटी नहीं हुई। वो दो एक्सेप्शंस कौन सी थी? उसने एक बताई है एंशियंट फिलॉसफर प्रोटैगोरस, एंड नंबर टू मॉडर्न फिलॉसफर ह्यूम। ये दो फिलोसोफर्स की उसने हमें बात बताई है। अब उसने कहा कि स्केप्टिसिज्म मेड बोथ ऑफ देम पॉलिटिकल कंजर्वेटिव। स्केप्टिसिज्म जो आया था कि जिसमें हमें ये नहीं पता था, डाउट्स थे हमें किसी चीज़ के बारे में, तो उसको वो स्केप्टिसिज्म था, वो जब प्रिवेल किया तो जो फिलोसोफर्स थे वो कंजर्वेटिव हो गए, पॉलिटिकली कंजर्वेटिव हो गए। उन्होंने सर्टन रूल्स बना लिए कि नहीं, इससे हमने बाहर नहीं निकलना। अब उसमें हमारे पास दो लोग आ गए, एक प्रोटैगोरस आ गया और एक ह्यूम आ गया। अब प्रोटैगोरस क्या कह रहा है जी? प्रोटैगोरस ये कह रहा है ही वाज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स, कि वो श्योर नहीं था कि गॉड्स कोई हैं भी या नहीं, एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, बट प्रीस्ट टू वर्शिप देम इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द पॉपुलर फोर्स ऑफ ट्रेडिशन। लेकिन फिर वही कंजर्वेटिव सोच आ गई, उसने कहा कि नहीं, लेकिन फिर भी उनको वर्शिप करना चाहिए क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशन है। बिकॉज द सर्वाइवल ऑफ मॉरल्स डिपेंडेड अपॉन द थॉटफुलनेस ऑफ द मेजॉरिटी इन देयर विलिंगनेस टू बिलीव। वो इसकी वजह ये थी कि आपको अगर सोसाइटी में कुछ मॉरल्स को फॉलो करना है तो फिर उसमें आपको देखना है कि मेजॉरिटी क्या सोच रही है और क्या उनकी विलिंगनेस है। फिर उसके बाद जो दूसरा उसने फिलोसोफर बताया ह्यूम, उसके ख्याल में रेमेडी लाइज इन केयरलेसनेस एंड इन अटेंशन, कि आप केयरलेस हो जाएं तो अपने आप ही ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। प्लेटो आंसर प्रोटैगोरस, कैंट एंड हेगल आंसर ह्यूम। अब यहाँ पर उसने हमें दो थॉट्स बताए हैं, एक प्रोटैगोरस का और एक ह्यूम का। उसने बताया कि जो दो थॉट्स थे उनको आगे लेकर कौन चला था? प्लेटो जो है वो प्रोटैगोरस की फिलॉसफी को लेकर आगे चला, और कैंट और हेगल जो हैं ये ह्यूम की फिलॉसफी को आगे लेकर चले। अब इसमें ये हेगल की फिलॉसफी के बारे में बताता है कि हेगल का जो आंसर था दैट हैड इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी आए थे। वो हम आगे जाके देखेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे। अभी फ़िलहाल वो हमें ये बता रहा है कि जो प्लेटो और हेगल की उसने बात की है। अब उसने यहाँ पर हमें दो लोगों के नाम बताए, एक प्लेटो का जिसने प्रोटैगोरस की फिलॉसफी को आगे किया, और जो कैंट और हेगल हैं इसमें से सिर्फ उसने हेगल को सिलेक्ट किया और उसने हमें इन दो के बताए। और अब वो हमें ये बताने जा रहा है कि फिलॉसफी ऑफ प्लेटो एंड हेगल इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डेमोक्राइटस एंड लॉक। ये दो डिफरेंट लोग हैं, वो दो डिफरेंट लोग हैं, उन दो लोगों की जो फिलॉसफी है वो डिफरेंट है डेमोक्राइटस एंड लॉक की फिलॉसफी से। अब आपने ये कुछ लोग हैं जिनके नाम अच्छे से याद रख लेने हैं। प्लेटो का नाम आपको आता होगा, हेगल क्योंकि प्लेटो को आप पढ़ते होंगे, आपने अब
आपने क्लासिक्स में भी पढ़ा होगा, ड्रामा में भी पढ़ेंगे। हेजल जो है ये उसकी फ़िलोसफी, हम आगे जाके थोड़ा डिटेल में जब बात करेंगे तब हमें थोड़ा सा इसके बारे में और समझ आ जाएगी। तो ये आपने चार नाम अच्छे से याद कर लेने हैं, प्लेटो, हेजल, डेमोक्राइटस एंड लॉक। और ये चारों की जो जो एक ग्रुप में है प्लेटो एंड हेजल, दूसरा ग्रुप जो है डेमोक्राइटस एंड लॉक का है। अब डेमोक्रेटिस एंड लॉक जो हैं उनकी क्या फिलॉसफी है, दे सपोर्टेड डेमोक्रेसी वाइल प्रोटैगोरस एंड हेजल अपोज्ड प्रोग्रेस एंड प्लेड रोल ऑफ चैम्पियंस ऑफ इनजस्टिस एंड क्रूअल्टी, बट दिस एस्पेक्ट ऑफ देयर फिलॉसफी रिमेन अनरिकग्नाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब वो हमें ये बता रहा है कि दोनों में फ़र्क क्या है। डेमोक्रेटिस एंड लॉक जो हैं वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं जबकि प्रोटैगोरस एंड हेजल उसको सपोर्ट नहीं करते। डेमोक्रेसी जो है वो इनफैक्ट कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है प्रोग्रेस के साथ, और प्रोटैगोरस और हेजल उसी प्रोग्रेस के अगेंस्ट हैं। और वो उन्होंने जो रसल ने बताया कि जो प्रोटैगोरस और हेजल हैं उनकी जो फिलॉसफीज हैं उनको अगर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि देवर चैम्पियंस ऑफ इनजस्टिस एंड क्रूअल्टी, यानी कि उनको इनजस्टिस और क्रूअल्टी से बड़ी मोहब्बत थी, वो उसको फेवर करते थे। लेकिन रसल ने कहा कि ये जो उनकी एस्पेक्ट है उनकी फ़िलॉसफी का, या ये जो साइड है उनकी फ़िलॉसफी का, वो बहुत अरसे तक लोगों को पता ही नहीं चल सका। प्लेटो हेटेड द वर्क्स ऑफ डेमोक्रेटस दैट ही वांटेड देम टू बी बर्न्ड। अब प्लेटो ये चाहता था कि जो डेमोक्रेटस उसके काम को आग लगा दी जाए, ठीक है ना। अब आप ये देखें कि इसी में आपको एक एक्सट्रीमिज्म नज़र आ रहा है प्लेटो के अंदर, कि वो चाहता है कि डेमोक्रेटस ने जो कुछ भी लिखा उसको आग लगा दी जाए। और फिर उसकी ये दुआ कबूल भी हो गई टू सम एक्सटेंट। किस तरह से, इट हैपन्ड सिंस हिज वर्क इज़ नॉट अवेलेबल एक्सेप्ट फॉर हिज फिलॉसफी कन्वेड बाय एपिक्यूरस इन हिज वर्क वर्सिफाइड बाय ल्यूसर्टियस। अब क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटस ने जो कुछ भी लिखा वो फिलॉसफी जो थी, जो उसकी जो भी उसने कुछ लिखा था वो हमारे तक नहीं पहुंचा एज इट इज़, बल्कि उसकी जो फिलॉसफी थी उसको एपिक्यूरस ने अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया, और फिर जो उसने डिस्क्राइब किया उसको वर्सिफाई किया, उसको शेरों की सूरत में बयान किया वर्सेस की सूरत में यूसर्टियस ने। तो ये हमें इस तरह से उसका कोई डायरेक्ट जो हमारे तक फिलॉसफी नहीं पहुँची है। अब डेमोक्रेटस की फ़िलॉसफी है क्या, अब यहाँ पर वो रसल हमें थोड़ा सा बता रहा है। डेमोक्रेटस आपने डेमोक्रेसी के साथ थोड़ा सा बता कर ना सोच के जहन में, अब समझ लें कि डेमोक्रेटस मींस कि डेमोक्रेसी से कुछ रिलेटेड है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें इजी हो जाती हैं, ये शॉर्टकट्स होते हैं। डेमोक्रेटस वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ एटमिज़म, ये एक फ़िलासफ़ी है जी, एटमिज़म फ़िलासफ़ी जिसको उसने डेमोक्रेटस ने फाउंड किया। अ बिलीवर इन एवोल्यूशन एंड डेमोक्रेट, ही वॉज अ बिलीवर इन एवोल्यूशन, वो हमने पीछे बात की है प्रोग्रेस की, कि डेमोक्रेसी किसी तरह से रिलेटेड है प्रोग्रेस के साथ, जबकि जो आपके प्लेटो एंड हेजल हैं दे अपोज्ड प्रोग्रेस। तो ये बिलीवर है एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन जो है वो क्या होता है, वो प्रोग्रेस ही होती है। एंड डेमोक्रेट, डेमोक्रेटस वॉज अ डेमोक्रेट हु सेट, अब इसका ख्याल क्या था, पॉवर्टी अंडर डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन प्रॉस्पैरिटी अंडर डेस्पोटिज्म, कि इससे अच्छा है कि आप डेमोक्रेसी में गरीब रह लें बजाय इसके कि आप अमीर हों और आपको डिक्टेटरशिप देखनी पड़े। प्लेटोज रिपब्लिक वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड सपोर्टेड ओलिगार्की, अब एक नया वर्ड आया है इसको आपने याद कर लेना, यानी कुछ आपने कीवर्ड्स अपने बना लेने हैं जिनको आपने जहन में रखना है कि आपने ज़रूर याद रखने हैं। तो प्लेटो का जो बुक है रिपब्लिक, उसने उसमें बताया रसल ने कि वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, और उसने सपोर्ट किया है ओलिगार्की को। ओलिगार्की कहते किसको हैं, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, यानी कि चंद एक लोग जो हैं वो आपके रूल करें और बाकी सारी जो लोग हैं वो उनको ओबे करें। तो ये प्लेटो का ख्याल था। अकॉर्डिंग टू रसल, लेनिन एंड हिटलर वर डिसिपल्स ऑफ प्लेटो, ये दो रूलर्स थे कि जिन्होंने प्लेटो की फ़िलॉसफी को फॉलो किया। और लेनिन को आप नहीं जानते लेकिन हिटलर को तो आप ज़रूर जानते हैं कि हिटलर ने क्या किया था। The oligarchic rulers were
आर परमिटेड टू यूज़ फ्रॉड एंड डिसीट इन कैरिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन. और प्लेटो ने उनको ये चीज़ बताई थी, प्लेटो ने अपनी व्यूज़ के, अपने फिलोसफीज़ के थ्रू ये चीज़ बताई थी कि जो ओलिगार्किक रूलर्स होते हैं, दे आर परमिटेड टू यूज़ फ्रॉड एंड डिसीट. वो धोखा भी दे सकते हैं, वो फ्रॉड भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है. यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर. तो ये उसने बताया था. प्लेटोस व्यूज़ आर रिपल्सिव, ये रसल हमें बता रहा है कि प्लेटोस के जो व्यूज़ हैं, प्लेटो के, वो रिपल्सिव हैं. हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, हम उसको लाइक नहीं कर सकते. बट ही गॉट डिग्निटी एंड चार्म थ्रू हिज लिटरेरी जीनियस. लेकिन उसको जो चार्म और डिग्निटी मिला है, हम सोचते हैं कि फिर उसको इतनी ज़्यादा शोहरत कैसे मिली. तो उसने कहा जी वो सिर्फ उसकी लिटरेरी जीनियस की वजह से, कि उसकी जो लैंग्वेज है, जो उसकी जो अप्रोच है लिटरेचर की तरफ, और लिटरेरी जीनियस जो है वो उसकी वजह से, होने की वजह से उसको ये डिग्निटी मिली है. प्लेटोस व्यूज आर बेस्ड ऑन ए कंसेप्शन ऑफ स्टैटिक परफेक्शन व्हाइल ह्यूमन हैप्पीनेस नीड्स एंटरप्राइज एंड चेंज. अब ये रसल का ख्याल है कि जो प्लेटो के जो फिलॉसफी है वो बेस्ड है स्टैटिक परफेक्शन की, क्योंकि वो अगेंस्ट है प्रोग्रेस के. जब आप प्रोग्रेस के अगेंस्ट होते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को जो स्टैटिक है, जो रुकी हुई है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं. तो जब आप स्टैटिक परफेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो रसल ने कहा कि ह्यूमन हैप्पीनेस जो है वो स्टैटिक परफेक्शन पर बेस नहीं कर सकती है, बट इट नीड्स एंटरप्राइज एंड चेंज, के जब तक उसमें चेंज नहीं आएगा तब तक उसमें लोग खुशहाल नहीं रह सकते. फिर वो बताता है कि चेंज और प्रोग्रेस में फ़र्क क्या है. देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड प्रोग्रेस. वी हैव टू चेंज वेदर वी वॉन्ट और नॉट, बट प्रोग्रेस डिपेंड्स अपॉन आर इवेल्यूएशन ऑफ दैट चेंज. कि हमें चेंज होना होता है चाहे हम चाहें या ना चाहें, लेकिन प्रोग्रेस जो है वो डिपेंड करता है कि हमारी इवेल्यूएशन क्या है उस चेंज के बारे में. नेक्स्ट ही सेज दैट साइंटिस्ट बिफोर गैलीलियो फॉलोड एरिस्टोटल एंड बिलीव दैट द यूनिवर्स वाज अनचेंजिंग. अब वो उसको साइंस की तरफ ले आया कि साइंटिस्ट जो हैं वो भी गैलीलियो से पहले एरिस्टोटल को फॉलो करते थे और कहते थे यूनिवर्स जो है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, ये नहीं हो रहा. बट आफ्टर लैपलेस वी केम टू नो अबाउट हेवनली बॉडी, स्टार्स एंड अर्थ एंड मैन्स अपीयरेंस इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन. तो उसके बाद हमें ये पता चला कि हेवनली बॉडीज़ कैसे हैं, स्टार्स क्या हैं, अर्थ कैसी है, इन सब के बारे में पता चला. और हमें ये भी पता चला कि जो मैन ज़मीन पर रह रहा है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एवोल्यूशन, की जिसकी वजह से एक ऐसा स्टेज आया है कि जिसमें अब आदमी जो है यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है. लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब ज़मीन बहुत ठंडी हो जाएगी कि फिर दोबारा से लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी. The philosophers wanted to see some ethical purpose in it. अब साइंटिस्ट ने जब ये चीज़ बता दी कि everything is changing, तो philosophers जो थे उनको लगता था कि इसमें कुछ ना कुछ purpose, ethical purpose होना चाहिए. उसको find out किया तो उसमें जो है वो Hegel ने, he brings the philosophy of absolute idea. तो वो absolute idea एक philosophy वो लेकर आता है, और उसकी हमें रसल पूरी एक डिस्क्रिप्शन बताता है, एक डेफिनेशन बताता है एब्सोल्यूट आइडिया की. लेकिन वो इतनी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है कि रसल जो है वो बाद में उसको इन शॉर्ट बताता है. वो कहता है कि दैट द एब्सोल्यूट आइडिया इज़ प्योर थॉट थिंकिंग अबाउट प्योर थॉट. यानी कि एब्सोल्यूट आइडिया ये है कि आप एक प्योर थॉट है आपके पास और आप सोच रहे हैं किसके बारे में, प्योर थॉट के बारे में. तो फिर आप कन्फ्यूज होंगे व्हाट इज़ दिस प्योर थॉट एंड व्हाट इज़ दैट प्योर थॉट. सो इट सीम्स एब्सर्ड, ये रसल ने हमें बताया. अब हेजल की फिलॉसफी क्या है, उसने कहा इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आल्सो. नंबर वन, ट्रू लिबर्टी इज ओबीडियंस टू एन आर्बिट्ररी अथॉरिटी. ट्रू लिबर्टी क्या है, कि आप किसी अथॉरिटी को फॉलो करें, उसको ओबे करें. नंबर टू, ही इज अगेंस्ट फ्री स्पीच. आज़ादाना कुछ भी नहीं, आप कुछ भी बोल नहीं सकते. आप कुछ बोलेंगे आपको उठा कर ले जाएंगे, अरेस्ट कर लेंगे, मार देंगे. नंबर थ्री, जस्टिफाइज वॉर. अब वो कहता है कि जस्टिफाई वॉर किस तरह से, उसने का ख्याल है कि वॉर होनी चाहिए है. एंड कॉल्स एनी एफर्ट टू स्टॉप वॉर इज इंजूरियस टू ह्यूमन वेलफेयर. उसने कहा कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए ज़रूरी है कि वॉर हो. बड़ा ही अजीब सी बात है, लेकिन हेजल की फिलॉसफी थी और उसने अपनी फिलॉसफी को किसी तरह से जस्टिफाई भी किया होगा. नंबर फोर, हिस्ट्री डेवलप्स अकॉर्डिंग टू लॉजिकल प्लान. अब उसने कहा कि हिस्ट्री जो है वो एक लॉजिकल प्लान है जिसके अकॉर्डिंगली वो डेवलप कर रही होती है.
यानी कि वो ऐसे ही नहीं चल रही होती है बल्कि उसके अंदर एक लॉजिकल प्लान एग्जिस्ट कर रहा होता है, मतलब फिलोसोफर है ना कुछ भी कह देंगे। नंबर 5 एडमायर्स ऑर्डर सिस्टम रेगुलेशन एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल कंट्रोल, ये उसने एडमायर किया। तो आप ये देख लें कि हेजल की फिलोसफी भी वैसी है जैसी कि प्लेटो की थी, एक सेंटर के गिर्द घूमती है। और फिर क्या हुआ कि उसने इसमें अपनी फ़िलासफ़ी में जर्मन्स की कुछ ज़्यादा तारीफ थी, क्योंकि जर्मन्स बड़े अच्छे हैं, वो बड़े उनके अंदर ये आर्बिट्ररी अथॉरिटी को फॉलो करते हैं, तो लिहाजा जर्मन्स ने इसको फुल एक्सेप्टेंस दी, दे एक्सेप्टेड हिज फिलासफ़ी। और मार्क्स जो है उसने भी इसको फॉलो किया, हेजल की फ़िलासफ़ी को। अब उसकी बात आ जाती है एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म में वो ये कहता है रसल दैट दिस इज़ द ओनली फिलॉसफी विच प्रोवाइड्स थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन फॉर डेमोक्रेसी, कि अगर हम डेमोक्रेसी की तरफ जाते हैं तो ये कोई एक ऐसा आइडिया नहीं कि जो अचानक से आसमान से उतरा और ज़मीन पर गिर गया, बल्कि उसका उसने कहा कि ये इसके लिए एक थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन हमारे पास फिलोसोफर्स आए हैं दुनिया में कि जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए जो है फिलोसफीज़ दी हैं अपनी, जिसका आगाज़ हमें पता ना डेमोक्रेटस ने किया है पीछे। उसके बाद डेमोक्रेसीज़ के साथ हमने एक वर्ड नाम पढ़ा था लॉक का, तो लॉक जो है वो ही वॉज फाउंडर ऑफ एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म क्या है और उसकी फिलॉसफी क्या है, ये सपोर्ट्स लिबर्टी एंड रिलीजियस टॉलरेशन, अनसर्टनटी ऑफ ह्यूमन नॉलेज इंस्टीट्यूशंस एंड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज। अब अगर आप इसको देखें तो कितना ईजी है और कितना फ्लैक्सीबल, आपने हमने जो याद पीछे पढ़ा था एक रिजिड फिलॉसफी एक फ्लेक्सिबल, हमने जो पीछे प्लेटो और हेजल की फिलॉसफी पढ़ी है वो रिजिड हैं, अभी हम जो डेमोक्रेटस की पढ़ी हमने और लॉक की जो पढ़े हैं ये फ्लेक्सिबल फिलॉसफीज़ हैं। अब ये हमें लिबर्टी को सपोर्ट कर रहा है, रिलीजियस टॉलरेशन के नहीं, एक दूसरे को टॉलरेट करें। फिर ह्यूमन नॉलेज जो है वो बिल्कुल अनसर्टन है। फिर इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, सिस्टम होना चाहिए चेक्स एंड बैलेंसेस का। नंबर 2 ही अपोजेस एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी कि डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, कोई एक अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। एंड ही आल्सो अपोजेस बोथ फनेटिक्स एंड द किंग्स बिलीविंग इन देयर डिवाइन राइट। फनेटिक्स को भी वो अपोज करता है और किंग्स को भी, जो ये सोचते हैं कि हमारा डिवाइन राइट है कि हम रूल करें और हमारा डिवाइन राइट है कि हम जिसको चाहें उसको कुछ भी कर दें। नंबर 3 हिज मोटो वाज ऑर्डर विदाउट अथॉरिटी, ऑर्डर होना चाहिए सोसाइटी में लेकिन अथॉरिटी के बगैर, यानी कि प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ही प्रपोज्ड अ लिबरल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन शुड बी टेस्टेड एट ईच पॉइंट बट सक्सेस और फेलियर, ये उसने एक सजेशन दिया। उसने कहा जो पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड परफेक्ट वन, बल्कि इसको हर लेवल पर हर एज पे इसको टेस्ट किया जाना चाहिए कि ये सक्सेस हुआ या फेलियर था। उसके बाद ये जो एम्पिरिसिज्म की थ्योरी दी है हमें लॉक ने, दैट वाज द बेसिस ऑफ लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म क्या होता है कि लिबरलिज्म जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ट्रेड ब्रिंग्स पीपल क्लोजर एंड डिस्ट्रॉयज देयर डॉगमेटिज्म, डॉगमास आप इसको करेंगे, डॉगमेटस लिखा गया, डॉगमास इसको कर लेंगे। उसके बाद ये लिबरलिज्म क्या है जी, अब हमने पीछे पढ़ लिया है जो थ्योरीज थी प्लेटो की, हेजल की, एब्सोल्यूट आइडिया की हमने पढ़ ली है, उसके बाद हमने पढ़ ली है लॉक की, एम्पिरिसिज्म भी पढ़ ली है, अब हम लिबरलिज्म की तरफ आ गए। लिबरलिज्म क्या कहती है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। प्रीचेस टॉलरेंस फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम कैसा, मॉडरेशन के साथ, एंड फ्रीडम फ्रॉम फनेटिसिज्म, फनेटिक्स नहीं होने चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होने चाहिए। लिबरल आउटलुक हैज फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन, इसकी एक फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन और क्या है कि नॉट व्हाट ओपिनियंस आर हेल्ड बट हाउ देयर हेल्ड, इसका ये मतलब है, यानी ये हमें ये बताती है कि इसमें ये होता है कि आप ओपिनियंस ये नहीं देखेंगे कि क्या ओपिनियन है, ये होगा कि वो ओपिनियंस आप रख किस तरह से रहे हैं, प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो असल कहता है कि इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज इन साइंस, कि जो आपकी लिबरलिज्म और एम्पिरिसिज्म जो आपकी थ्योरीज हैं वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे साइंस होता है कि जिसमें एम्पिरिकल टेंटेटिव एंड अनडॉगमेटिक होता है, यानी कि कोई चीज़ भी फुल एंड फाइनल नहीं होती, आपके एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होती है, आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है और आप किसी एक चीज़ को फाइनल नहीं कह सकते, यानी कि उसमें चेंजेस आती रहती हैं। तो रसल ने कहा, रसल कॉल साइंस इंटेलेक्चुअल काउंटर पार्ट ऑफ लिबरलिज्म, के जो साइंस है वो लिबरलिज्म का एक काउंटर पार्ट है। न्यूटन्स डिस्कवरीज कॉज्ड अनबाउंडेड साइंटिफिक ऑप्टिमिज्म,
न्यूटन की डिस्कवरीज के साथ बहुत सारा ऑप्टिमिज्म आया। लॉन्ग रिलीजियस वॉर्स टॉट द लेसन ऑफ टॉलरेंस, बहुत सारी रिलीजियस वॉर्स हुई जिसमें कि अगर आपको पता हो क्रूसेड्स भी हुए, वर्ल्ड वॉर्स भी हुए, तो इन सब ने हमें लेसन बताया कि टॉलरेट करना सीखें वरना सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। द एम्पिरिसिस थ्योरी इज हाफ वे बिटवीन डॉगमा एंड स्केप्टिसिज्म। अब ये रसल जो है वो यहाँ पर कंक्लूडिंग करने की तरफ आ रहा है ऐसे को, और यहाँ पर उसने बताया कि एम्पिरिसिस थ्योरी जो है वो एक्चुअली डॉगमा के और स्केप्टिसिज्म के बीच में, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ और एक डाउटफुल, तो उन दोनों के दरमियान में है एम्पिरिसिस थ्योरी। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि साइंस थ्योरीज आर एक्सेप्टेड एज यूजफुल हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, कि थ्योरीज आई जाती हैं और वो हाइपोथेसिस मफरूजे के तौर पर लाई जाती हैं, फिर उसके ऊपर रिसर्च की जाती है एंड पोजेसिंग सम डिग्री ऑफ ट्रूथ, बट बिकॉज एक्सप्लेन ऑब्जर्व फैक्ट्स, कुछ इसमें ट्रूथ भी होता है क्योंकि ये ऑब्जर्व फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, येट के नेवर बी रिगार्डेड इज इम्यूटेबली परफेक्ट। जिस तरह की साइंस में होता है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी थ्योरी को, किसी भी बात को आप परफेक्ट नहीं कह सकते, इम्यूटेबली परफेक्ट नहीं कर सकते, कि चेंज नहीं हो सकता, एवरी थिंग कैन बी चेंज्ड। रसल वॉन्ट्स द सेम इन पॉलिटिक्स, वो चाहता है कि पॉलिटिक्स में भी इसी किस्म की फिलोसफी होनी चाहिए कि जो हार्ड एंड फास्ट नहीं हो, जो फुल एंड फाइनल नहीं हो। अब उसके बाद कंक्लूजन इज ऐसे का वो क्या है जी, फॉल्स बिलीफ दैट इन एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फनाटिसिज्म एंड लिबरलिज्म, कि एक फॉल्स बिलीफ था कि जब भी कभी लड़ाई होती है फनाटिसिज्म और लिबरलिज्म के बीच में तो फनाटिसिज्म वुड ऑलवेज विन, तो फनाटिसिज्म जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? इसलिए कि वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ को फॉलो कर रहे होते हैं तो सारे एक ही बात पे कर रहे होते हैं, इसलिए जीत जाते हैं। लेकिन रसल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज इन एवरी वॉर फॉट सिंस 1700 से जितनी भी वॉर लड़ी गई हैं फनाटिक्स फेल। क्यों फेल हो जाता है? बिकॉज फनाटिसिज्म इन्वॉल्व्स परसिक्यूशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर सोशल कोहेरेंस। आप ये देखें, उसने कहा कि जी परसिक्यूशन नहीं, नहीं आप लोगों को मार देते हैं सोशल कोहेरेंस के लिए, कि जी आपका जो सोशल जो एक लेवल है वो बरकरार रहना चाहिए, आपस में लिंक्स रहने चाहिए, और जो उस लिंक से हटकर बात करे उसको आप ख़त्म कर दें, यानी कि जो आपकी बात ना माने उसको ख़त्म कर दें। एज प्रूव इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उसमें भी परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा हुई थी, तो रसल जो है वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है। उसने कहा कि लिबरलिज्म कैन ओनली प्रिवेंट अ डिज़ास्टर ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर। हमने बात की थी कि रसल इज़ पीस लविंग, बिकॉज दिस इज़ द ओनली फिलोसफी विच रिगार्ड्स ह्यूमन हैप्पीनेस एज अ ग्रेटर इम्पॉर्टेंस, क्योंकि यही वो फिलोसफी है जो ये बताती है कि ह्यूमन हैप्पीनेस जो है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, उसी को इम्पॉर्टेंस देती है, एंड विदाउट इट लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल ऑन दिस पोलिटिकल डिवाइडेड बट टेक्निकली यूनिफाइड प्लानट, कि हमें टेक्निकली तो हम इकट्ठे हैं, जुड़े हुए एक प्लानट पर हैं, उस पर रहना है, लेकिन पोलिटिकल डिवाइडेड है, तो ये उसी सूरत में ज़िंदगी पॉसिबल हो सकती है कि जब हमारे अंदर ये टॉलरेंस आ जाए, यानी कि वो तमाम क्वालिटीज़, वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएँ कि जो कि लिबरलिज्म थ्योरी जो है वो हमें बता रही है। सो हमें ये सारा कुछ पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि रसल जो है वो इज़ इन फेवर ऑफ लिबरलिज्म, वो इज़ इन फेवर ऑफ एम्पिरिसिज्म। तो उसने जो लॉक और लॉक की जो थ्योरी है जिसको ओरिजिनेट किया है, जो हमारे पीछे हमने पढ़ा था डेमोक्रेटस, उसने तो उसको उसने जो है फेवर किया, सपोर्ट किया आइडियाज़ के साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से उसने उनको पहले एक चीज़ को लेकर आता है, फिर उनको आर्ग्यूमेंट्स के साथ प्रूव करता है, नेक्स्ट वो कंक्लूड कर देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।